हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फ्रेंड, अभी सुबह शाम का टाइम है और इवनिंग का टाइम। आज थोड़ा सा खाना मैं जल्दी बनाने वाली हूँ। वैसे इस टाइम से लग जाती हूँ, लेकिन ये थोड़ा रुक रुक के बनाती थी, बट अभी थोड़ा सा जल्दी बनाऊँगी। तो अभी मैं फ्रिज के अंदर से दूध लेकर आई हूँ। तो ये सुबह का दूध है, हमारा सुबह दूध आता है, बट मैं दूध जो है फ्रिज में ऐसे ही रख देती हूँ और गर्म मैं इसको शाम में ही करती हूँ हमेशा। जिस दिन मैं सुबह गर्म करती हूँ, उस दिन मेरा दूध फट जाता है, क्योंकि वो फिर बाहर रह जाता है ना। अब जब फ्रिज गर्म होने के बाद फ्रिज में रखती नहीं हूँ और फिर दोबारा मैं गर्म नहीं करती, रात शाम को गर्म करती हूँ तो फट जाता है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही, इसकी डोलची है वो फ्रिज में रख देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने बाबू से मंगाई थी धनिया की पत्ती। अभी मार्केट में धनिया की पत्ती बहुत मुश्किल से मिल रही है और महंगी भी मिल रही है, बट मुझे चटनी बनानी थी तो इसलिए मैंने धनिया की पत्ती मंगाई थी। तो अभी दिखाती हूँ, मेरा जो है वो मैंने दूध फाड़ा हुआ था, दूध कल ही फाड़ा था, पनीर बनाई थी मैंने। मैं आपको जैसे पता होगा, आप मेरे रेगुलर के व्यूवर होंगे, तो मैं घर पनीर घर में ही बनाती हूँ। तो ये उसी का पानी है, उसको पानी को जो दूध फटता है उसका पानी मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको फ्रिज में रख लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंदने के काम में ले आती हूँ। और जब नहीं, अब थोड़ा ज़्यादा दिन हो जाता है, 3-4 दिन हो जाता है, यूज़ पूरा नहीं हो पाता, तो फिर इसको रख देती हूँ इस पानी से। फिर मैं दूध को जो अगला जो पनीर बनाना होता है, तो अगले दिन दूध उसी से फाड़ती हूँ। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अंशु दूध ले बेटा, अंशु खंगार लेना। तो इसी से मैं आटा लगा रही हूँ, आटा लगा कर रख दूँगी। सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी, आलू परवल की सब्ज़ी, आलू परवल दम जिसे बोलते हैं, आलू दम परवल दम, वो बनाया था मैंने, और चावल, तो वो सब्ज़ी है एक्स्ट्रा। तो अभी मैं बनाऊँगी पूरी और मैं सोचा थोड़ी सी सेवई बना देती हूँ, क्योंकि आज हस्बैंड को भी कहीं जाना है रात में, उनकी ट्रेन है, तो उनको थोड़ा उनको यही सब खिला विला के भेज दूँगी। तो बस यहाँ पर मैं आटा थोड़ा सा टाइट लगाऊंगी, क्योंकि मुझे पूरी बनानी है। इधर मैं आटा भी लगा रही हूँ, इधर काम कर रही हूँ। इधर देखिए, इधर मैंने एक साइड दूध गर्म होने को रख दिया है और दूसरी साइड मैं इसमें डाल रही हूँ घी, जो कि घी भी मेरा घर का बना हुआ है। मैं घर में ही घी बनाती हूँ और थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ, जब क्योंकि बाबू मेरा दाल में खाता है, हस्बैंड भी थोड़ा बहुत दाल में ही खाते हैं, मार्केट का घी वो लोग खाते नहीं है। और तो ज़्यादा मैं एक साथ इसलिए बनाती हूँ कि ज़्यादा इनमें टेस्ट जो है ना थोड़ा सा उसका अजीब सा हो जाता है, उसकी खुशबू बेकार अजीब हो जाती है। तो इसीलिए है ना। तो यहाँ पर देखिए, सेवई मेरी जल गई थी, मैं उधर कुछ और दूसरा काम करने लग गई थी, इतने में सेवई मेरी जल गई, जो फ्लेम था वो हाई था इसलिए। तो उधर दूध भी बॉईल हो चुका है, अभी धो रही बेटा मैं, सब धो रही हूँ, धोना सब कुछ छोड़ दो। तो बेल्ट अपना देख लो, बेल्ट ले जाओ हैं। तो इधर दूध मेरा बॉयल हो गया, तो मैं सेवई को अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद मैं सेवई को उसमें डाल दूँगी। और मुझे सेवियाँ पसंद है थोड़े बहुत, इतने भी नहीं पसंद, सब थोड़े ही खाते हैं, पापा भी कम ही खाता है, हस्बैंड भी ऐसे खाते कभी कभी, बट बना ले रही हूँ आज। मैं जैसे मन था बस सिर्फ पूरी बनाऊँ, फिर मैंने कहा चलो थोड़े दूध भी बचा हुआ है, क्योंकि अब हस्बैंड आ चले जाएंगे तो दूध कोई पिएगा नहीं, और बाबू भी तो बिल्कुल दूध नहीं पीना चाहता, वो तो मतलब ये रहते हैं तो साथ में दोनों को देती हूँ, तो नखरे कर करके पीते हैं वो दूध, वरना ऐसा कोई दूध नहीं पीना चाहता है। तो चलिए कोई नहीं, बोलते बोलते थक जाती हूँ। तो इधर सेवई को मैंने सेवई डाल दिया और चीनी में डालती हूँ थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि पहले चीनी डालने से सब मतलब लगता है कहीं फट ना जाए, कभी कभी खाद मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए। तो जब सेवई पूरा होने को तैयार हो जाएगा ना, तब थोड़ी सी गाढ़ा, थोड़ा सा दूध जो है एकदम गाढ़ा हो जाएगा ना, क्योंकि सेवई जो है ना गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है, पतली अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर फिर से मैं प्रेस करने लग गई थी हस्बैंड को, मैं ये शर्ट पहन के, अंशु वो टी शर्ट पहन के जाने वाले थे, लेकिन मैंने कहा नहीं आप शर्ट पहन के जाइए, क्योंकि टी शर्ट ही इतना यूज़ करते हैं और शर्ट इनकी इतनी सारी है, और सारी शर्ट ना इनकी ऐसे ही रखी हुई है। मैंने कहा आज आप शर्ट ही पहने, नहीं तो शर्ट सारी ऐसी रखी रह जाएगी, और थोड़ा सा हेल्थ इनका होता जा रहा, तो इसलिए फिर इसके लिए तो मैं वही प्रेस कर रही हूँ। और पहनने के टाइम पे भी बहुत नखरे कर रहे थे, लेकिन मैंने पहना दिया, क्योंकि होता है टी शर्ट में इंसान कंफर्टेबल फील करता है, तो इसलिए अब इनके लिए शर्ट मैं बिल्कुल भी नहीं लाऊँगी।
क्योंकि अपने हस्बैंड के कपड़े मैं ही दिला कर लाती हूँ। जब भी कपड़े लाते हैं लेने जाते हैं तो मुझको साथ में लेकर जाते हैं और मेरी पसंद से लाते हैं। आप भी सुनिए, जब से मतलब मेरी इनकी शादी हुई है अच्छा लगता है मुझे। एक होता है हस्बैंड अपनी पसंद से अपनी वाइफ को पहनाता है, वैसा मेरे हस्बैंड का ऐसा कुछ नहीं है। और मेरा भी, मैं कपड़े किसी के पसंद के नहीं पहनती, जो मुझे पसंद आता है वही पहनती हूँ, लेकिन इनको मैं अपने पसंद के ही पहनाती। तो बस ऐसा नहीं है कि अपनी जो मुझे पसंद होता है इनों का भी साथ में, इनकी भी पसंद होती है, अगर इनको भी अच्छी लगती है तभी लेते हैं, वरना नहीं लेते। ये नहीं कि हाँ बस मैं अपनी पसंद थोपती रहती हूँ। तो प्रेस करने मुझे अच्छे से आती नहीं बिल्कुल भी। और आज तो ऐसा हुआ था, डेली लाइट तो हमारी लाइट नहीं जाती थी, बट आज ये दो बाजू प्रेस की मैंने, थोड़ा सा मतलब आगे का वो साइड था वो प्रेस किया, उसके बाद जो लाइट चली गई वो लाइट आई ही नहीं। लेकिन हाँ, काम चलाने लायक हो गया था, नहीं तो फिर इनको टी शर्ट ही पहननी पड़ती, क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ इतनी लाइट क्यों जा रही थी अभी शाम के टाइम पे। इस टाइम पे लाइट नहीं जाती है, जाती है तो दिन में जाती है, दिन में जाती है लेकिन पता नहीं चलता इन्वर्टर वगैरह रहता तो, है ना, क्योंकि रात के टाइम पे प्रेस वगैरह करते ना तब पता चलती है, क्योंकि उस टाइम मैं इन्वर्टर ऑफ कर देती हूँ इसकी वजह से। तो ये शर्ट इनकी बहुत पुरानी है, अभी की नहीं, बट ये पहनते नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, एकदम पतले कॉटन में की शर्ट है ये। ये हम दिल्ली में लिया था इन्होंने, फरीदाबाद में लिया था जब वहाँ पे जॉब कर रहा था। और मुझे येलो कलर, मैं इनके पास हमेशा रखती हूँ हमेशा येलो टी शर्ट या येलो शर्ट। तो अभी भी इनके पास एक टी शर्ट है येलो कलर की और एक ही शर्ट है। बाबू के लिए भी मैं येलो रखती हूँ, क्योंकि हम लोग थर्सडे को येलो ही पहनते हैं। मैं पहनाती हूँ, अपनी लाइट गई, वही मैं देख रही थी कि अब लाइट चली गई, तो थर्सडे को मैं भी येलो पहनती हूँ हमेशा शुरू से। और अब हस्बैंड जब से मेरी शायद मतलब मेरे को जब से पता वो हुआ है तब याद है मुझे, हस्बैंड को भी मैं येलो ही पहनाती हूँ और बाबू को भी मैं उस दिन कोशिश करती येलो ही पहनाने की। तो येलो कपड़े मैं ज़्यादा लेती हूँ, बाबू के पास भी 3-4 टी शर्ट येलो कलर की है, मेरे पास एक साड़ी है और अभी एक सूट है। तब भी सोच रही हूँ अगला जब भी कोई कपड़ा लूँगी तो मैं येलो ही लूँगी, साड़ी भी लूँगी तो येलो, ये तो एक सूट कुर्ता वगैरह लूँगी तो येलो लूँगी, कि बाहर जाने के लिए नहीं है ना साड़ी ना कुर्ता, घर में वेयर करने के लिए है। अगर थर्सडे को मुझे कहीं बाहर जाना होता तो फिर मैं येलो नहीं पहनती। मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो हेलो फ्रेंड, तो अभी मैं डिनर कर चुकी हूँ और मैंने बालों में लगाई है मेहंदी, तो सिर्फ मैंने इतनी इतनी दूर पर लगाया है, बाकी मैं पूरे बालों में मैं कल लगाऊंगी दिन में। और खाना वाना खा ली हूँ तो लेटूंगी सोऊंगी। और यहाँ पर आ गई है मेरी बहन की कॉल, तो मैं उससे बात कर लेती हूँ, मैं उससे वीडियो को एंड कर देती हूँ। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू माई यूट्यूब फैमिली। हेलो।